हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने वीवो वाई 205G फ़ोन में फ़ोन की जो कैमरा सेटिंग है उसे किस तरीके से करो। आप अपने फ़ोन की जो कैमरा क्वालिटी होती है या फिर जो फोटो वीडियो क्वालिटी होती है उसे पहले से और भी ज़्यादा कैसे बढ़ाओ। इसके साथ साथ गाइस, यहाँ पर फ़ोन में होता क्या है कि जब आप अपने फ़ोन को नया परचेस करते हो तो उस टाइम आपके फ़ोन की जो कैमरा सेटिंग है वो सही से होकर नहीं आ पाती, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कैमरा सेटअप होने के बावजूद भी जो फ़ोटो वीडियो क्वालिटी है वो उतनी बढ़िया नहीं आ पाती। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि अपने फोन की जो कैमरा सेटिंग है उसे किस तरीके से ठीक करें और आप अपने फोन की जो कैमरा की क्वालिटी उसे कैसे बढ़ाएं। सो गाइस, वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, सो वीडियो को पूरा फुल जरूर से वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन पे आल पे प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस, आपको इस फोन की कैमरा सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से कैमरा ऐप को ओपन करना है। कैमरा ऐप को ओपन करने के बाद गाइस, आपको यहां पर सिंपली से कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर शो होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले गाइस करना क्या है कि गाइस, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ऊपर शो होगा सेटिंग का। तो गाइस, ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मोर सेटिंग का ऑप्शन शो होगा, तो आपको मोर सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन की जो कैमरा सेटिंग है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो आपको यहाँ पर स्वाइप करके एकदम नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक रिसेट का बटन शो होगा, आपको इस पर क्लिक करके कन्फर्म कर देना है। इतना करने से गाइस होता क्या है कि अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर कुछ ऐसी सेटिंग ऑन ऑफ हो गई होगी जिससे आपके फ़ोन की जो कैमरा सेटिंग है वो यहाँ पर बेकार हो गई होगी या फिर बिगड़ गई होगी, तो वो यहाँ से सिंपली से ठीक हो जाएगी और आपके फ़ोन की जो कैमरा सेटिंग है यहाँ से पूरी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपको पिक्चर क्वालिटी बढ़ाने के लिए ऊपर गाइस एक ऑप्शन होगा HDR का। तो गाइस, ये जो HDR का ऑप्शन है इस पर आपको सिंपली से कुछ इस तरीके से 3 बार क्लिक करना है और इसे ऑटो HDR पर सिंपली से यहाँ पर कर देना है। इतना आप जैसे ही करोगे तो आपके फोन की जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया हो जाएगी और जो कैमरा सेटिंग है वो भी ठीक हो जाएगी। तो गाइस, कुछ इसी तरीके से आप भी अपने फोन में कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।